हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 13। आइए देखते हैं अध्याय 13 की दूसरी हेडिंग एल्केन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं एल्केन के बारे में। जैसा पहले बताया जा चुका है कि एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। एल्केन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है, और ये संतृप्त खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। मेथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मेथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आप मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के द्वारा प्रतिस्थापित कर तथा हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यक संख्या जोड़कर दूसरी कार्बन की चतुर संयुक्तता को संतुष्ट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको C2H6 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको C2H6 प्राप्त होगा। कार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कम करेंगे, उसके जगह पे कार्बन जोड़ेंगे और उस कार्बन की संयुक्तता को पूरा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको C2H6 प्राप्त होगा। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है एथेन कहलाता है। अतः आप मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को CH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके C2H6 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोकार्बन को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके आप अन्य कई एल्केन बना सकते हैं। इस प्रकार जो है हाइड्रोकार्बन को, इस प्रकार हाइड्रोजन को मेथिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करके आप अन्य कई एल्केन बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त अणु C3H8, C4H10 इत्यादि होंगे, प्रोपेन ब्यूटेन आदि होंगे। ठीक है, जैसे यह आपका CH4 है, मेथेन है, इसमें किसी एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसके जगह पे CH3 को जोड़ना है। किसी हाइड्रोजन का CH3 से विस्थापन करके आप देख सकते हैं, जब इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ CH3 जोड़ेंगे तो यह संरचना बनेगी जो आपकी होगी C2H6 अर्थात एथेन की संरचना होगी। इसी तरह इसका एक हाइड्रोजन हटा के अगर CH3 जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है सामान्य अवस्था में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो है सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफीन कहते थे अर्थात कम क्रियाशील। ठीक है, प्रारंभ में इन्हें क्या कहते थे? पैराफीन कहते थे। क्या आप एल्केन परिवार या सजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं? यदि हम विभिन्न एल्केनों के सूत्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n को कोई उपयुक्त मान दिया जाता है, जहां n को कोई उपयुक्त मान दिया जाता है तो यह विशेष सजातीय का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप मेथेन की संरचना का स्मरण कर सकते हैं? संयुक्ता कोष युग्म प्रतिकर्षण, ठीक है, संयुक्ता कोष युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार
मेथेन की संरचना जो होती है वो चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, फिगर में आप देख सकते हैं, मेथेन की चतुष्फलकी संरचना जो बहुसमतली है, जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र में तथा चार हाइड्रोजन परमाणु सम चतुष्फलक के चारों कोने पर स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन का बंध कोण जो है 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है, एल्केनों के चतुष्फलक आपस में जुड़े रहते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध की लंबाइयां 154 पिकोमीटर और 112 पिकोमीटर होती है। आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध का निर्माण कार्बन परमाणु के संकरित sp3 और हाइड्रोजन परमाणु के 1s सममाच्छीय अतिव्यापन से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था एल्केन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर नाम पद्धति और समावयता के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।